हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कंप्यूटर स्टडीज लेट स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक एप्स वर्ल्ड नाम सुना है एप्स यस देर आर डिफरेंट एप्स पर ये एप्स होते क्या है आप लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हो ना सो स्मार्टफोन या टैबलेट पर जो भी प्रोग्राम्स आप यूज करते हो उसे हम एप्स बोलते हैं यस यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट The programs on tablet or smartphone are popularly known as apps. These apps are becoming more and more common nowadays. Let us learn about an interesting data storing app and route finding app. Uh, can you guess? Yes, you know these apps very well. But still, let me introduce you. About these apps. One is Google Drive and another one is Google Maps. So, let us start with Google Drive. This app is a place where you can safely store your files, that means photos, videos, or documents, and access them from anywhere. So, Google Drive is linked with the Gmail account. So, बिफोर यूजिंग गूगल ड्राइव टेक द हेल्प ऑफ एल्डर्स टू यूज़ अ जी मेल अकाउंट मेक श्योर यू आर साइनिंग इट सो यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि गूगल ड्राइव जो होता है हमेशा लिंक होता है जी मेल अकाउंट के साथ ठीक है और गूगल ड्राइव आप यूज़ करने से पहले आपके बड़ों का हेल्प लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आप गूगल अकाउंट के साथ लिंक uh, होता है इसीलिए अकाउंट तो आपका नहीं क्रिएटेड होगा तो बड़ों का किसी का अकाउंट आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है मैक श्योर यू आर साइन इन हमेशा साइन इन होने के बाद में ही आप ये गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो लेटेस्ट लर्न हाउ टू यूज गूगल ड्राइव ऐप अब इसका यूज कैसे करें ओपन अ स्मार्टफोन एंड टैप ऑन दिस सिम्बॉल ये जो सिम्बॉल आप देख पा रहे हो ना यस yes. द होम पेज ऑफ द ऐप अपीयर्स यहाँ पर आपको होम पेज दिखाई देगा टैप ऑन प्लस आइकन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर इस तरह से प्लस वाले आइकॉन पर टैप करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस का लिस्ट दिखाई देगा टैप ऑन अपलोड आइकॉन जो अपलोड वाला आइकन होता है देख रहे हो आप ये सिम्बॉल दिस इज द एरो जैसे अपलोडिंग के लिए है ठीक है

गैलरी में से कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर टैप करके वो अपलोड कर सकते हो सिलेक्ट अ फोटो यू वॉन्ट टू सेव ऑन गूगल ड्राइव एंड टैप ऑन इट ओके द अपलोडेड फोटो अपीयर्स ऑन होम पेज ऑफ द एप यहाँ पे क्या होता है ड्राइव में आपको एक स्टोरेज का स्पेस दिया जाता है इसमें आप मोबाइल में से या पर्टिकुलर डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हो टैबलेट में से वो पर्टिकुलर फोटो या कोई फाइल आप ड्राइव के अंदर अपलोड कर सकते हो और फिर वो अगर आप दूसरे डिवाइस पे ओपन करोगे तो वो गूगल ड्राइव में से आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे नई जगह पर सो दैट इज़ द थिंग ओके नाउ लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड आगे के दो स्टेप्स उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे जैसे कि कोई गैलरी में से अगर आप फोटो ले रहे हैं तो गैलरी का इमेज यहाँ पर दिया है ठीक है और इस पर टैप करने के बाद पर्टिकुलर फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड करके यहाँ ड्राइव के अंदर आपका फाइल या फोल्डर रख सकते हैं नेक्स्ट इज गूगल मैप्स दिस ऐप मेक्स राउट फाइंडिंग दैट मीन्स नेविगेशन फास्टर एंड ईजियर इट इज इट इंक्लूड्स एक्यूरेट मैप्स जी पी एस नेविगेशन यहाँ पर क्या होता है अलग अलग नेविगेशन सिस्टम्स जो होती है उसमें से एक गूगल मैप्स है तो यहाँ पर भी फास्टर नेविगेशन और इजियर होता है लाइव ट्रैफिक कंडीशंस ये सब पता चलेगा गूगल मैप से कि कोई रास्ता जाम तो नहीं हो गया है ट्रैफिक अपडेट्स वो सारे गूगल मैप्स पे हमें मिलेंगे किस रूट पे कैसा ट्रैफिक है हम फटाफट पहुंच सकते हैं या नहीं लेटेस्ट लर्न हाउ टू यूज़ गूगल मैप ऐप अब ये वाला ऐप हम कैसे यूज़ करें सबसे पहले तो आपको स्मार्टफोन पर टैप करना है पर्टिकुलर मैप्स में यहाँ पर आइकन में द होम पेज ऑफ द एप विल अपीयर हियर देन टैप ऑन दिस ये सिंबल देख रहे हो एरो वाला ऐसा कुछ सिंबल है वहाँ पर सर्कल के अंदर सो द न्यू स्क्रीन विल अपीयर टाइप द स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स यूजिंग वर्चुअल कीबोर्ड अ स्क्रीन अपीयर शोइंग अराउट विथ एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पर राउट का मतलब है जो रास्ता एस्टिमेटेड uh, टाइम का मतलब है कितना टाइम लग सकता है टेंटेटिव टाइम ठीक है कि भाई अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स यू विल बी रीचिंग देर तो हमें वहाँ पर कीबोर्ड जो वर्चुअल होता है वर्चुअल की बोर्ड से वहाँ पर स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन डालने होते हैं तुरंत पता चल जाएगा देन टैप आइकन टू स्टार्ट नेविगेशन नेविगेशन को स्टार्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एरो वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है देन लिसन टू द वॉइस देट प्रॉम्प्ट यू टू बिगिन द ट्रिप एक वॉइस भी आता है साथ में जो कि आपका ट्रिप शुरू होते से ही आपको गाइड करते जाता है कि लेफ्ट में मूव होना है या राइट right में मूव होना है ठीक है डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए नोटिस द एरो साइन हमें हमेशा ये साइन पर देखते रहना है इट विल मूव एज यू मूव थ्रू द राउट वो भी मूव होता जाएगा जैसे जैसे आपका कार या व्हीकल आगे होता जाएगा या फिर आप रास्ते में आगे बढ़ रहे हो तो फिर वो रूट भी एरो का साइन भी चेंज होते होते जाएगा वो आगे का रास्ता बताएगा इसीलिए बच्चों यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट्स दे रखे हैं इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि आप कैसे इसे इफेक्टिवली यूज़ कर सको तो यह आपको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है डिवाइसेस आप सभी के पास में हैं तो ये एप्स भी उसमें अवेलेबल है सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिकल बिकॉज लैब में तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना तो ये प्रैक्टिकल जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो प्लीज़ गो थ्रू दिस थिंग्स एंड परफॉर्म एट योर होम यहाँ पे देखिए हर एक सिंबल को नोटिस करिए प्रॉपरली कि ये सिंबल क्या बता रहा है ब्लू कलर का एरो यहाँ पे भी एरो और आप जैसे मूव होते जाओगे ना वो भी मूव होगा सिंबल डेस्टिनेशन डालना है और आपका जो सोर्स है वो डालना होता है सोर्स पॉइंट नाउ सेफ्टी टिप्स टू स्टे अवेयर जी पी एस इज जस्ट अ टूल इट डज़ नॉट डिटेक्ट इन एवरी थिंग हैपनिंग ऑन द रोड जी क्या है एक सिर्फ टूल है ठीक है वो एक पोजिशनिंग सिस्टम है इट 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 डज नॉट डिटेक्ट एवरी थिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन द रोड रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है कुछ होता है या फिर ब्लॉकेज है तो वो नहीं बता पाएगा पे अटेंशन टू ऑल साइंस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शंस और क्लोजर्स ऑन द रोड कभी कभी क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया जाता है ये सारी चीज़ें जो है जीपीएस हमें नहीं बता पाता है ठीक है ऑलवेज रिलाय ऑन योर सेंसर फर्स्ट एंड योर नेविगेशन डिवाइस सेकेंड हमेशा आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग करते वक्त तो यही चीज़ें बताई गई है बच्चों बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और ऐप्स जो कि हम आजकल यूज़ कर रहे हैं नए नए ऐप्स के साथ ही हमें सीखना है अभी ठीक है थैंक यू